खीरी हिंसा में पहली गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि तीन की गिरफ्तारी पहले हो गई थी, लेकिन बड़ी जो गिरफ्तारी हुई है वो आशीष मिश्रा की हुई है। वो आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि खीरी हिंसा में गिरफ्तारी आशीष मिश्रा की हो गई है, और आशीष मिश्रा को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन वो आ नहीं रहे थे। लेकिन इसके बाद वो कल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, उनकी पूछताछ की गई उनसे खास तौर पर इस पूरी घटना को लेकर, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाई है और न्यायिक हिरासत में इस वक्त आशीष मिश्रा है और सोमवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। तो पूछताछ उनसे की गई और कहा गया कि कम से कम 40 सवाल उनसे पूछे गए, वो कहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी से संबंधित सवाल उनसे पूछे गए, और जब उन्हें पहला नोटिस भेजा गया उस समय वो हाजिर क्यों नहीं हुए, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा को ले लिया गया है और अब सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी सुबह सवेरे आपको दे रहे हैं। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बताया गया है, और इससे पहले जब वो पेश नहीं हुए तो उनकी तरफ से स्वास्थ्य संबंधी हवाला दिया गया। इसके बाद कल वो पेश हुए और ठीक 11 बजे उन्हें पहुंचना था, लेकिन हर्ष उससे पहले ही वो पहुंच गए थे। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उमेश, आशीष मिश्रा बड़ा नाम जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, अब गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा की कोई भी दलील काम नहीं आई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए हर्ष, बिल्कुल लखीमपुर कांड में जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि एसआईटी की टीम लगातार 12 घंटे से कल पूछताछ की है और 12 घंटों में एसआईटी के सामने, जांच एजेंसियों के सामने आशीष मिश्रा लगातार बरगला रहा था। संतुष्ट जवाब ना मिलने के कारण जो एसआईटी की टीम है उसने आशीष मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर आप जिस तरह से पूछताछ हो रही है, 12 घंटे की पूछताछ में बहरहाल कोई भी सही जवाब ना मिल पाने से संतुष्ट ना होने के चलते एसआईटी ने उनको हिरासत में ले लिया है। अब ये माना जा रहा है कि सोमवार को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उनसे एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार आशीष मिश्रा से इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आखिर जब घटना घटी 2:30 बजे से और 3:30 बजे के बीच आखिर वो कहां थे? हालांकि लगातार वो बरगलाने का काम कर रहे थे, लेकिन एसआईटी और जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो उनके इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि लगातार जिस तरह से इसमें काफी हो हल्ला उठा है, विपक्ष की पार्टियां लगातार खीरी लखीमपुर में घेरा जमाए हुए हैं, लगातार जो बीजेपी सरकार है उस पर दबाव है। हालांकि अब इस पूरे मामले में इस घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टीका टिप्पणी की थी और इस बात को कहा था कि आखिर 302 जैसे गंभीर मामले में आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें जो भी लोग दोषी हैं, गिरफ्तार हैं, या जिनका दोष रहा है इस घटना को पारित करने में, उनके खिलाफ कितना कुछ कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन एक चीज हर्ष बिल्कुल देखने को मिल रही है, जो आशीष मिश्रा जो लगातार बच रहा था उसको पहले ही नोटिस में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचा, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, दूसरे दिन नोटिस चस्पा की गई, लेकिन फिर आखिरकार आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच एसआईटी के सामने पेश हुए। और बिल्कुल उमेश, पेश हुए और हमने देखा कि समय से पहले ही वो पहुंच गए। कहीं ना कहीं एक डर मन में कि अगर इस बार भी वो नहीं पहुंचे तो कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए सोनिका, बिल्कुल जिस तरह से एसआईटी और जांच एजेंसियों का जो दबाव है वो बढ़ रहा था और इसके पहले भी 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जो आशीष मिश्रा है इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि पुलिस ने नोटिस दिया था, उसके बाद दूसरे दिन नोटिस दिया गया, लेकिन उनको वो समय से बहरहाल पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचते तो इनके गिरफ्तारी का वारंट इशू हो जाता। बहरहाल अब भी जिस तरह से वो क्राइम ब्रांच और एसआईटी के सामने हाजिर हुए, लेकिन उससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जवाब जो संतुष्ट पूर्वक मिलना चाहिए शायद एजेंसियों को नहीं मिल पा रहा, और यही वजह है कि एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, तमाम जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हर्ष की जो उनके टाइमिंग को लेके पूछताछ हुई है एजेंसियों के द्वारा,
कि आखिर आप ढाई बजे से जिस दिन घटना हुई और 3:30 बजे के बीच आखिर कहाँ थे, इसको लेकर उन्होंने लेकिन इस तरीके से इस पर अब राजनीति भी बखूबी हो रही है और विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा दबाव कहीं ना कहीं काम आया है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो आगे क्या लगता है किस तरीके का घटनाक्रम रहने वाला होगा? क्योंकि विपक्ष गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, गिरफ्तारी हो चुकी है, सरकार कह रही है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब अजय मिश्रा की इस्तीफे की मांग की जा रही है खासतौर पर। देखिए हर्ष, बिल्कुल लगातार जब से घटना हुई है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की इस्तीफे की पेशकश की गई है। लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार इस बात पे जोर देके कह रही हैं कि उनके रहते उनके पद पे बने रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हालांकि अभी इसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं स्वीकार किया है कि आखिर उनको पद पे रहना है या हटना है, लेकिन विपक्ष का जो हो हल्ला है, जो विपक्ष का प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष इस बात पे पुरजोर दे के कोशिश में लग रहा है, कह रहा है कि अजय मिश्रा को पद पे बने रहते शायद निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। लेकिन अब जो कुछ निर्णय लेना है कि अजय मिश्रा पद पे रहेंगे कि नहीं, गृहराज मंत्री बने रहेंगे कि नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उमेश, हम देख रहे हैं राजनीति जिस तरीके से हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हुए हैं, दुर्गा माँ के रूप में उन्हें दिखाया जा रहा है। क्या वाकई ये जो करने की कोशिश की जा रही है 2022 के लिए, या माना जाए कि 2022 के लिए रास्ता खोजने की कोशिश है? देखिए सोनिका, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में रखा गया और लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे थे, चाहे भूपेश बघेल की बात की जाए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, चरणजीत सिंह चन्नी की बात की जाए, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे थे लगातार। और जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा इस पे अड़ी थी कि हमें किसानों से मिलने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से लगातार जो भी उत्तर प्रदेश में किसान हैं, मजलूम हैं, असहाय हैं, उनके साथ वो खड़ी रहेंगी, डटी रहेंगी, सरकार का चाहे जैसे मुकाबला करना पड़े, सरकार को चाहे जैसे घेरना पड़े, इसके लिए उनकी रणनीति और उनके जो कार्य किए जा रहे लगातार, चाहे किसानों को लेकर संवेदना व्यक्त करने की बात हो या बेरोजगारी जैसे। ठीक है उमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ रिएक्शन है फटाफट से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपके पास तुरंत लौट रहे हैं। निचाती रिसीव कराई गई, अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस के कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत मंडे तक फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की PCR मांगी थी? अभी दो तीन दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस से कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया, मंडे की डेट लगाई गई। कौन जज का क्या नाम है? जज सब का क्या नहीं है, दीक्षा भारती, क्या उन्होंने कहा? फिर से उन्होंने क्या कहा? हमने कहा थोड़ी कहेंगे सामने, प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग, इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स 11 तारीख समय कुछ बता। आखिरकार 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा मोनू को कारागार भेज दिया गया। इसी जिला कारागार लखीमपुर खीरी में सलाखों के पीछे आशीष मिश्रा मोनू को स्पेशल बैरक में बंद किया गया है। जांच टीम के DIG उपेंद्र अग्रवाल की जांच टीम ने तमाम लंबी जांच के बाद, तमाम वीडियो फुटेज देखने के बाद, इसी कारागार में आशीष मिश्रा मोनू को भेज दिया है। तमाम सलाखों के पीछे आशीष मिश्रा मोनू को जेल भेजा गया है। आशीष मिश्रा मोनू को इससे पहले, जेल भेजने से पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद जिला कारागार खीरी में आशीष मिश्रा को भेज दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस ने तीन दिन की न्यायिक रिमांड मांगी है अदालत से। इसकी सुनवाई, पहली सुनवाई सोमवार को होनी है।
हर जानकारी आपको दे देते हैं पूछताछ के दौरान क्या क्या हुआ है। आशीष 12 से ज्यादा पेन ड्राइव लेकर पहुंचे थे, जब ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मैं निर्दोष हूँ। सूत्र बताते हैं कि पेन ड्राइव में वो सभी वीडियोस हैं जो उनकी मौजूदगी साबित करेंगे कि घटना के वक्त वो वहाँ मौजूद थे या फिर नहीं। आशीष से पूछताछ के लिए करीब 40 सवालों की लंबी फेहरिस्त बनाई गई। उससे पूछा भी गया कि कहां वो मौजूद थे। लखीमपुर में पुलिस लाइन के सामने भारी भीड़ रही और पूछताछ के दौरान आशीष के कानूनी सलाहकार अवधेश कुमार ने कहा कि हमें नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर में अपने कार्यालय पर ही रहे, उनके कार्यालय पर काफी गहमा गहमी रही, समर्थकों का हुजूम रहा। आशीष से पूछताछ के लिए करीब 40 सवालों की लंबी फेहरिस्त बनाई गई। उनसे पूछा गया कि वे हिंसा के वक्त कहां थे, वो आपको